लालची तरबूज कैंडी वाली। गोलापुर नाम के गांव में शारदा अपने पति बिरजू और 4 साल के बेटे मोंटू के साथ रहती थी। उसके पति का अपना एक तरबूज का खेत था। वो सुबह उठकर अपने खेत से तरबूज तोड़ता और उन्हें बाजार में बेचने निकल पड़ता, लेकिन बाजार में तरबूज की हमेशा बहुत ज्यादा भरमार रहती थी, जिस वजह से तरबूज बहुत ही सस्ते दाम पर बिकते थे। आज भी तरबूज बेचकर कुछ खास कमाई नहीं हुई। बाजार में हर जगह केवल और केवल तरबूज के ही ठेले हैं। तरबूज की इतनी भरमार है कि सिर्फ 10 रुपए में ही एक तरबूज बिकता है। पापा, मैंने आपको शाम को आते हुए मेरे लिए कैंडी लाने को कहा था, क्या आप मेरे लिए कैंडी लेकर आए? हाँ बेटा, ये लो तुम्हारी कैंडी। उस कैंडी को देखकर शारदा के मन में एक विचार आता है। वो अपने पति से पूछती है, आप ही कैंडी कितने रुपए की लेकर आए हो जी? 2 रुपए की भाग्यवान, क्या हुआ? 2 रुपए की एक कैंडी। मैं क्या कहती हूँ, तरबूज को बाजार में बेचने से अच्छा हम उससे कैंडी बनाए। एक तरबूज से तो बहुत सारी कैंडी बन सकती है, ऐसे तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा। बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें तरबूज कैंडी बनानी आती है? हाँ, मैं अभी बनाकर दिखाती हूँ। शारदा एक तरबूज को बीच में से काटती है और उसका सारा गूदा निकाल कर उसके रस को एक पतीले में इकट्ठा कर लेती है। वो उसके अंदर चीनी डालकर उसे आंच पर पकाने लगती है। ये देखिए, अब ये पकते पकते बिल्कुल गाढ़ा हो गया है। अब हमें इसे थोड़ी देर खींचना होगा, उसके बाद हम इसे गोलाकार में काटेंगे तो ये बिल्कुल कैंडी की तरह बन जाएगा। शारदा अपने पति के साथ मिलकर उस मिश्रण को हाथों की मदद से खींचने लगती है, जिससे वो मिश्रण गहरे लाल रंग से हल्के लाल रंग का हो जाता है। उसके बाद वो कैंडी के मिक्सचर को एक सिलेंड्रिकल शेप देकर चाकू से गोलाकार में काट लेती है, जिससे एक तरबूज से बहुत सारी तरबूज कैंडी बनकर तैयार हो जाती है। अरे वाह, तुमने तो सचमुच तरबूज से कैंडी बना ली। लेकिन क्या इनका स्वाद खाने में अच्छा होगा? बिल्कुल, आप चेक कर देख लीजिए। हाँ, इस कैंडी को तो मैं ही टेस्ट करके देखूंगा माँ। सब लोग तरबूज कैंडी खाकर देखते हैं तो उन्हें वो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। ये तरबूज कैंडी तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। एक तरबूज से पूरी 50 कैंडी बनकर तैयार हुई है। 2 रुपए की एक कैंडी के हिसाब से ये सारी कैंडी 100 रुपए की हुई। इससे तो हमारा बहुत मुनाफा होगा। अगर हम एक दिन में 10 तरबूज की कैंडी बनाएंगे तो पूरे 1000 रुपए कमा पाएंगे। ठीक कहा जी, लेकिन हम इस तरह ये कैंडी नहीं बेच सकते। हमें इन्हें प्लास्टिक में पैक करना होगा ताकि उनके ऊपर मक्खियाँ न भिनभिनाए। ठीक है, मैं बाजार से थोड़ा प्लास्टिक पेपर खरीद कर ले आता हूँ। बिरजू बाजार से कैंडी पैक करने के लिए प्लास्टिक शीट खरीद कर लाता है। शारदा सभी तरबूज कैंडीज को अच्छी तरह प्लास्टिक से पैक कर देती है और अगली सुबह गांव में तरबूज कैंडी बेचने निकल जाती है। कैंडी ले लो कैंडी, टेस्टी टेस्टी मीठी मीठी तरबूज कैंडी, ताजा तरबूज से बनी हुई स्वादिष्ट तरबूज कैंडी। आंटी आंटी, मुझे एक कैंडी दो ना। हाँ बहन जी, मेरे बेटे को भी एक कैंडी देना। इस कैंडी के अंदर कोई केमिकल तो नहीं है ना? नहीं दीदी, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। इस कैंडी को तो मैंने खुद अपने खेत के तरबूज से घर पर बनाया है। ये बिल्कुल शुद्ध तरीके से बनी है। इस तरह गांव के लोग शारदा से उसकी सारी तरबूज कैंडी खरीद लेते हैं। अब हर रोज शारदा गांव में तरबूज कैंडी बेचने जाती और बच्चे तुरंत ही उससे तरबूज कैंडी खरीद लेते, क्योंकि उन्हें तरबूज कैंडी का स्वाद बहुत ही अच्छा लगता था। यह तरबूज कैंडी कितनी मीठी मीठी और अच्छी लगती है। इससे तो तरबूज का बिल्कुल नेचुरल फ्लेवर आता है। इस तरह शारदा की तरबूज कैंडी पूरे गांव में फेमस हो गई। गांव का ऐसा कोई बच्चा नहीं था जो शारदा के हाथ की तरबूज कैंडी ना खाता हो। अगर किसी दिन किसी बच्चे की माँ उसे शारदा से तरबूज कैंडी खरीद कर नहीं देती थी तो वो बच्चा रो रो कर पूरे गांव को सर पर उठा लेता था। अपनी तरबूज कैंडी की इतनी मांग देखकर शारदा के मन में लालच आ गया। जब सभी बच्चों को मेरी तरबूज कैंडी इतनी पसंद है तो क्यों ना मैं अपनी तरबूज कैंडी का दाम बढ़ा दूं? चाहे मैं तरबूज कैंडी 5 रुपए की कर दूं, तो भी सभी को अपने बच्चों की खुशी के लिए वो खरीदनी ही पड़ेगी। ये सोचकर शारदा अपनी तरबूज कैंडी का दाम 2 रुपए से बढ़ाकर सीधे 5 रुपए कर देती है। आज से तरबूज कैंडी का दाम बढ़ गया है, चीनी और तरबूज महंगे हो गए, इसलिए आज से तरबूज कैंडी 5 रुपए में मिलेगी। क्या 2 रुपए से सीधे 5 रुपए? शक्कर और तरबूज तो इतने भी महंगे नहीं हुए, लेकिन लगता है तुम्हें पैसों का लालच हो गया है।
अगर आपको लगता है मैं लालच कर रही हूँ तो आप मुझसे तरबूज कैंडी मत खरीदिए, क्योंकि मैं तरबूज कैंडी पूरी ईमानदारी से बेचती हूँ। अगर मेरा बच्चा इसे खाने की इतनी जिद ना करता तो मैं इसे तुमसे कभी ना खरीदती। तुम लालची के साथ साथ बहुत घमंडी भी हो गई हो। गांव के सभी लोगों को शारदा का ऐसा बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, लेकिन अपने बच्चों की खुशी के लिए उन्हें उससे कैंडी खरीदनी ही पड़ती। जब उसे तरबूज कैंडी के इतने अच्छे पैसे मिलने लगे तो उसके मन में पैसों का और लालच आने लगा। अगर मैं चाहूँ तो इन तरबूज कैंडी से और ज्यादा पैसे कमा सकती हूँ, लेकिन अगर मैंने इस बार इनका दाम बढ़ाया तो शायद गांव वाले मुझसे तरबूज कैंडी ना खरीदे। इसके लिए तो मुझे कुछ और ही सोचना होगा। ये सोचते सोचते शारदा के दिमाग में एक आइडिया आया। हाँ, मैं चीनी की चाशनी बनाकर उसमें लाल रंग मिला दूंगी और बाजार से तरबूज वाले फ्लेवर का सस्ता केमिकल लाकर इसमें मिला दूंगी। इससे तरबूज का खर्चा भी बच जाएगा और मेरा मुनाफा भी 10 गुना हो जाएगा। ये सोचकर शारदा ने सादी चीनी की चाशनी में घटिया वाला कलर और घटिया वाला तरबूज के फ्लेवर का केमिकल मिला दिया और उससे ढेर सारी तरबूज कैंडी बनाकर तैयार की। अगले दिन जब वो गांव में वो तरबूज कैंडी बेचने लगी तो लगे हाथ उसकी सारी तरबूज कैंडी बिक गई। लेकिन तभी बच्चों ने कहा, आंटी, आज मुझे आपकी तरबूज कैंडी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। इसमें तो तरबूज का बहुत अजीब सा फ्लेवर आ रहा है, वरना हर रोज आपकी तरबूज कैंडी बहुत टेस्टी होती है। हाँ आंटी, इसमें तो बिल्कुल केमिकल का स्वाद आ रहा है। कहीं आपने तरबूज कैंडी के अंदर केमिकल तो नहीं डाला? अरे नहीं नहीं बच्चों, ये तुम कैसी बात कर रहे हो। तुम जानते तो हो कि मेरा अपना तरबूज का खेत है, तो मैं इसमें केमिकल क्यों डालूंगी। मैंने हर रोज की तरह ही तरबूज कैंडी बनाई है। तुम चिंता मत करो, इसके अंदर कोई केमिकल नहीं है, तुम इसे आराम से खाओ। शारदा बच्चों को बहला फुसला कर केमिकल वाली तरबूज कैंडी खिला देती है। कुछ दिन तक केमिकल वाली तरबूज कैंडी खाने से बच्चों की तबीयत खराब होने लगती है। तभी एक दिन गांव की औरतें शारदा से कहती हैं, आज के बाद तुम यहाँ पर अपनी तरबूज कैंडी बेचने नहीं आओगी। जब तुम शुरू शुरू में कैंडी बेचने आई थी तो कितनी अच्छी कैंडी लेकर आई थी, लेकिन अब तुम केमिकल से कैंडी बनाने लगी हो। तुम्हारी वजह से हमारे बच्चों की तबीयत खराब हो रही है। ये आप मुझ पर कैसा इल्जाम लगा रही है? मैं क्यों कैंडी में केमिकल डालूंगी? आपके बच्चों की तबीयत किसी और वजह से खराब हुई होगी। इसका इल्जाम आप मेरी तरबूज कैंडी पर मत डालिए। गांव वाले अच्छी तरह से समझ चुके थे कि शारदा की तरबूज कैंडी बिल्कुल केमिकल से भरी हुई है, इसलिए उन्होंने शारदा का गांव में कैंडी बेचना बंद करवा दिया। लेकिन इसके बाद भी शारदा के लालच ने हार नहीं मानी। वो दूसरे गांव में जाकर केमिकल वाली तरबूज कैंडी बेचने लगी, जिस वजह से दूसरे गांव के बच्चे भी बीमार पड़ने लगे। लेकिन शारदा को किसी बच्चे की सेहत से कोई फर्क नहीं पड़ा, वो तो बस पैसे कमाने के लालच में अंधी हो गई। तभी एक दिन शारदा और बिरजू के सोने के बाद उनके बेटे मोंटू ने उन तरबूज कैंडीज में से बहुत सारी कैंडीज को खा लिया। इतनी सारी केमिकल वाली तरबूज कैंडी खाने की वजह से उसके पेट में अचानक बहुत तेज दर्द हो गया। तभी शारदा अपने पति के साथ उसे जल्दी से अस्पताल लेकर गई। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को क्या हो गया? अचानक उसे पेट में इतना दर्द कैसे हो गया? देखिए, आपके बेटे ने बहुत ज्यादा केमिकल वाली चीज खा ली थी, जिस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ। अच्छा हुआ कि आप उसे सही समय पर अस्पताल ले आए, वरना उसके साथ कुछ भी हो सकता था। बेटा, तू ही बता कि तूने ऐसा क्या खाया था। मैंने तो बस तुम्हारे हाथ की बनाई हुई तरबूज कैंडी खाई थी माँ। ये बात सुनकर शारदा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तब उसे एहसास होता है कि वो दूसरों के बच्चों की सेहत के साथ किस तरह खिलवाड़ कर रही थी। जब उसके खुद के बच्चे पर ऐसी हालत बीतती है तो उसे अपने किए पर बहुत पछतावा होता है, और वो उस दिन से अपना लालच छोड़कर केमिकल वाली तरबूज कैंडीज बेचनी बंद कर देती है। वो फिर से ताजा तरबूज से अच्छी कैंडीज बनाकर बेचनी शुरू करती है। लेकिन इतना सब होने के बाद भी कोई भी शारदा से दोबारा तरबूज कैंडीज नहीं खरीदता, और उसके लालच की वजह से वो अपना अच्छा खासा चलता हुआ काम खराब कर बैठती है। लालची आम पापड़ वाला। शहर के थोड़ी सी दूर काशीपुर नाम का एक छोटा सा गांव था, जहां के लोग बेहद ही मेहनती थे। काशीपुर गांव में हर मौसम के अनुसार फलों का उत्पादन किया जाता था, जैसे कि सर्दियों में सेब और गर्मियों में आम। इसके बाद उत्पादित फलों से पापड़, टॉफी, जैली, मुरब्बा आदि जैसी चीजें बनाई जाती थी। अभी फिलहाल आम का सीजन चल रहा था, जिसके चलते पूरे गांव में आम की अलग अलग तरीके की वैरायटी बनाई जा रही थी। ऐसे गांव के दो आदमी हरिया और मुन्ना आपस में बात करते हुए बोलते हैं, भाई
इस बार तो बढ़िया आम लगे थे। मैंने तो खूब सारा अचार और मुरब्बा बना दिया है। इस बार मार्केट में अच्छा दाम मिल जाएगा। हाँ भाई, सही बोल रहा है। इस बार प्रकृति की देन से आम की खेती बहुत बढ़िया हुई है। मैं भी आम की टॉफियां और ढेर सारा आम पापड़ बना रहा हूँ। बस मार्केट में इसका सही दाम मिल जाए तो सारा साल फिर आसानी से कट जाएगा। हरियो और मुन्ना आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनके पास से धनी राम नाम का बनिया निकलता है। धनी राम भी बाकी सबकी तरह ही हर सीजन के हिसाब से पापड़ बनाने का काम किया करता था। धनी राम को रोकते हुए हरिया बोलता है, अरे धनी राम भाई, बन गया तुम्हारा आम पापड़? हाँ भाई, बन गया। तो इस बार क्या कीमत रखे हो अपने आम पापड़ की? अब पहले मैं सभी के आम पापड़ की कीमत को जानूंगा और फिर उसके बाद मैं अपने आम पापड़ की कीमत बताऊंगा। भाई मैंने तो आम पापड़ को 50 रुपए किलो रखा है। और भाई मैंने तो आम पापड़ को 70 किलो रखा है। मैंने एकदम बढ़िया सिंदूरी आम का आम पापड़ बनाया है। हाँ अच्छा, चलो अच्छी बात है। मेरे आम पापड़ का दाम तो केवल 10 रुपए किलो है और अगर किसी को ये भी ज्यादा लगेगा तो मैं केवल 5 रुपए किलो में ही आम पापड़ दे दूंगा। अरे भाई तुम्हें कोई पागल जानवर काट गया है क्या? अरे इतनी मेहनत करके आम पापड़ बनता है और तुम इतना सस्ता बेच रहे हो। और अगर इतना ही सस्ता बेचना है तो एक काम करो, तुमसे हम पापड़ खरीद लेते हैं और दुगना मुनाफा करके हम बेच लेंगे। लो भाई लो, मुझे क्या दिक्कत है? मुझे तो केवल अपनी लागत से और पैसे से लेन देन है। मुझे बाकी किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आम पापड़ गांव के लोग खरीद रहे हैं या शहर के लोग खा रहे हैं। इतना बोलकर धनीराम वहां से चला जाता है। मुन्ना और हरिया धनीराम की बात सुनकर खूब हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही वक्त गुजरता चला जाता है और धनीराम पूरे गांव में सबसे सस्ता आम पापड़ बेचने लगता है। गांव भर के सभी आदमी धनीराम के इस सस्ते आम पापड़ के बेचने को लेकर सोच में थे। हर कोई इस गुत्थी को सुलझाना चाहता था कि आखिर इतनी मेहनत करने के बाद भी धनीराम इतने सस्ते पापड़ क्यों बेच रहा है। ऐसे ही एक दिन गांव के सरपंच जी एक पंचायत बिठाते हैं और बोलते हैं, सुनो भाई गांव वालों, हमारे गांव में शहर से एक बहुत बड़ी फैक्ट्री के मालिक अपनी पूरी टीम के साथ आ रहे हैं और वो हमारे गांव में बनी हुई फल फ्रूट वाली सारी चीजों का निरीक्षण करेंगे और उनको हमसे अच्छे दामों में खरीद लेंगे। और उन्हें अगर हमारा बनाया हुआ अचार मुरब्बा ट्रॉफी पापड़ आदि जैसी सारी चीज पसंद आई ना तो फिर काफी सालों तक का कॉन्ट्रैक्ट वो हमारे गांव के लोगों के साथ साइन कर लेंगे। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है सरपंच जी। ऐसे तो हमारी दिन दुगनी और रात चौगनी हो जाएगी सरपंच जी। इतना कहकर पंचायत खत्म की जाती है और सभी लोग अपने अपने कामों में लग जाते हैं। एक दो दिन बाद विपुल नाम का एक आदमी अपनी पूरी टीम के साथ गांव में आता है। सभी गांव वाले अपनी बनाई हुई चीजों के साथ बारी बारी से टीम के पास जाते हैं। विपुल सभी के आम पापड़ और अन्य चीजों को चखता है और सभी से उनके सामान की कीमत पूछता है। लास्ट में धनीराम की बारी आती है। धनीराम अपना बनाया हुआ आम पापड़ टोकरी में लेकर विपुल के पास पहुंचता है। आम पापड़ को चख कर विपुल बोलता है, अरे वाह, इतना स्वादिष्ट आम पापड़ तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। सच में इसका स्वाद बहुत अच्छा है। क्या कीमत है इसकी? जी केवल 10 रुपए किलो। और आप जितना चाहेंगे मैं आपको उतना आम पापड़ बनाकर दूंगा, वो भी इसी स्वाद का। क्या कहा आपने, केवल 10 रुपए? आप मजाक कर रहे हैं क्या हमारे साथ धनीराम जी? विपुल की बात सुनकर धनीराम अपना टोकरा उठाकर वहां से चला जाता है। तभी विपुल की टीम में काम कर रही सोना नाम की एक लड़की बोलती है, सर आप क्या सोच रहे हैं, इससे सस्ता और अच्छा आम पापड़ हमें कहीं नहीं मिलेगा। मैं तो कहती हूँ कि आप पूरे गांव को छोड़कर धनीराम से डील साइन कर लीजिए। हमारा मुनाफा ही मुनाफा है, हम थोड़े पैसों में चीज खरीद कर लाखों रुपए कमा लेंगे। नहीं सोना, तुम गलत कह रही हो। यहाँ पर सभी एक ही काम करते हैं। सोच कर देखो, हर किसी की लागत मेहनत बराबर ही आती होगी ना, तो फिर ये धनीराम ही इतना सस्ता आम पापड़ क्यों दे रहा है? हो ना हो, या तो दाल में कुछ काला है या फिर पूरी दाल ही काली है और इस बात का हमें पता लगाना होगा। वो कैसे सर? बस जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करना। सभी से बातचीत करने के बाद विपुल अपनी टीम के साथ वहाँ से चला जाता है। और कुछ दिन बाद सोना एक देसी लिबास पहनकर धनीराम के पास आती है और बोलती है, सेठ काम की सख्त जरूरत है, मैं यही पास वाले गाँव में रहती हूँ। मेरी माँ की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है
और मैं काम की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ। सुना है यहाँ पर आम पापड़ बनाने का काम होता है, क्या आप मुझे अपने साथ काम पर रख लेंगे? आप जितने भी पैसे देंगे मैं उसमें गुजारा कर लूंगी, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। हाँ हाँ ठीक है, वैसे भी मुझे अपने काम के लिए किसी की जरूरत तो है, तो तुम आज से ही काम पर लग जाओ। धन्यवाद सेठ जी, आपकी बहुत बहुत कृपा होगी। हाँ हाँ ठीक है, अब तुम चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आम पापड़ कैसे बनाया जाता है, ठीक है? इतना कहकर धनीराम सोना को अपने घर के भीतर बने बड़े हॉल में ले जाता है, जहाँ पर धनीराम आम पापड़ बनाने का काम किया करता था। वहाँ पर एक तरफ ताजे अच्छे आम रखे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ सड़े बदबूदार आम रखे हुए थे, जिनमें से कुछ में कीड़े भी चल रहे थे। ये सब देखकर सोना बोलती है, साहब ये क्या, ये आम तो बहुत ही ज्यादा बेकार हो चुके हैं, इन्हें तो आपको फेंक देना चाहिए, वरना ये बाकी के सभी आमों को भी खराब कर देगा। अरे ऐसे कैसे फेंक दूं? यही तो है मेरी सोने की सीढ़ी। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कह रहे हैं? अरे मैं अपने खेत में उगे हुए सभी अच्छे आमों को रात में मंडी में ले जाता हूँ और वहाँ पर अच्छे दामों में बेच देता हूँ, इससे मुझे बहुत मुनाफा होता है। फिर ये सड़े गले आम से मैं आम पापड़ बना देता हूँ, और जिनका दाम एक रुपए का भी नहीं है उनको भी हजारों में सबसे सस्ता दाम लगाकर बेच देता हूँ। इसे कहते हैं आम के आम गुठलियों के दाम। अच्छा तो ये है इस धनीराम की सारी सच्चाई। छी कितना घिनौना आदमी है ये, कितने लोगों की सेहत के साथ खेल रहा है। मुझे जल्दी बॉस को इसके सारे कारनामे के बारे में बताना होगा। अरे वाह सेठ जी, क्या बात है, आप तो बहुत ही शातिर दिमाग के हैं सच में। अरे ये ही नहीं बल्कि इसमें आम के अलावा बाकी का सारा सामान होता है, वो भी मैं घटिया ही इस्तेमाल करता हूँ, चीनी भी बेकारी है, और वो चाशनी देखो इसमें मक्खी है, पर किसी को क्या पता, लोगों को बस स्वाद से मतलब है, और जो उनको मिल जाता है और मेरा मुनाफा हो जाता है। ऐसे ही सोना धनीराम की बातें सुनती जाती है और उसकी तरफदारी करती जाती है। कुछ ही दिनों में सोना धनीराम की सारी काली करतूतों का पक्का सबूत बना लेती है। ऐसे ही एक दिन जब धनीराम आम पापड़ बना रहा होता है, तभी वहाँ विपुल अपनी पूरी टीम के साथ आ जाता है और धनीराम के आम पापड़ के काम पर छापा मार देता है और बोलता है, तो धनीराम जी अब जाकर हमें समझ आया कि आपके इस सस्ते आम पापड़ को बेचने और बनाने का क्या मसला था। चलिए हम लोगों को तो पता चल गया, अब पूरे गांव वालों को भी बता दिया जाए कि आखिर आप कितने गिरे हुए आदमी हैं और लोगों की सेहत के साथ कितना खिलवाड़ करते हैं। इतना कहकर विपुल धनीराम को पकड़कर सबके सामने ले जाता है, जिसके बाद सोना सभी को बताती है कि किस तरह धनीराम गंदे आम और सस्ते सामान से आम पापड़ बनाकर लोगों को बेचता है। ये सब जानने के बाद सभी लोग धनीराम की हाय हाय करने लगते हैं और हरिया बोलता है, मैं आज तक सोचता रहा कि ये बनिया होकर भी इतने खुले दिल का आदमी है कि पूरे गांव में सबसे सस्ता आम पापड़ देता है, पर आज समझ आया कि ये तो खोखला और मक्कार आदमी है जिसे बस अपने और अपने पैसों से मतलब है। छी 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 छी, मुझे तो सोच कर भी घिन आती है। धनीराम तुमने जो कुछ भी किया है अब उसकी सजा तुमको कानून देगा। नहीं नहीं साहब, मुझे कानून के हवाले मत करो, मेरे घर और बीवी बच्चों का क्या होगा? ये सब तुमको इतना घिनौना काम करने से पहले सोचना चाहिए था, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, बस आती ही होगी पुलिस। विपुल इतना बोलता ही है कि तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और धनीराम को हथकड़ी लगाकर अपने साथ ले जाती है, जिसके बाद मिलावट और मानहानि का केस लगाकर धनीराम को लंबे समय के लिए जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है।